गुड इवनिंग संतोष कुलकर्णी, ऑनलाइन कोर्सेस फॉर सिविल इंजीनियर्स। आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, जहां पे जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल लाइक ए प्रो। ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है फ्रेंड्स, और आप एंजॉय करेंगे इसको। साइट पे ये बहुत आवश्यक चीज है, और नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको ये चीज इतनी डिटेल में नहीं सिखाई जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले कुछ बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं। तो आज का प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो कुल 7 चीजें जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिबार्स का, देखिए मैं बार बार रिबार ये नाम ले रहा हूं, तो रिबार का मतलब क्या है? रिइंफोर्समेंट बार। बार बार रिइंफोर्समेंट बार ऐसा न कहते हुए मैं कहने वाला हूं, नॉर्मल यूसेज है रिबार्स। तो इस रिइंफोर्समेंट बार्स का या रिबार्स का यूनिट वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर किसी ने आपको कहा कि 25 mm डायमीटर का सॉरी टॉर्स्टील का बार है, तो उसका 8 मीटर लंबा पीस है, उसका वजन कितना होगा? तो एक सिंपल मेथड से मैं आपको बताने वाला हूं कि उसका वेट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कवर का मतलब क्या है। कवर आपने बचपन में कॉपी किताबों में कवर बहुत बार चढ़ाए हुए है, लेकिन ये इस कवर की हम बात कर रहे हैं, यह रिइंफोर्समेंट पे आरसीसी एलिमेंट में रिइंफोर्समेंट को दोनों तरफ दिया हुआ कवर, उसके बारे में जानेंगे। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ का मतलब क्या है कि बार में से ऐसी कौन सी लेंथ कट हमको करनी है जिसको कि बेंड करके, प्रॉपर शेप में बेंड करके जब आरसीसी एलिमेंट में रखी जाएगी, प्लेस की जाएगी, तो दोनों तरफ से कवर, तीनों तरफ से कवर हमको जो चाहिए, जो स्पेसिफाइड है, कवर मिल जाएगा। दैट इज कटिंग लेंथ। उसके बाद लैब पे आएंगे, फिर डेवलपमेंट लेंथ पे आएंगे, फिर डबल बार्स पे आएंगे। ये आज का एजेंडा है। ओके, तो पहले कुछ बेसिक्स ये शायद मालूम होंगे आपको, पढ़ लीजिए इसको। देखिए इसमें ये कहा गया है कि आरसीसी में, आरसीसी का बेसिक फंडा क्या है, तो ये फंडा जान लेना जरूरी है। कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग है लेकिन टेंशन में वीक है। तो जहां पे वो वीक है वहां पे रिइंफोर्समेंट बार डालना, ये है आरसीसी की शुरुआत। जहां पे कंक्रीट, जहां पे वो एलिमेंट, जहां पे उस एलिमेंट में टेंशन आने वाला है, वहां पे अगर हम रिइंफोर्समेंट बार डालते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाता है। इस प्रकार से आरसीसी इज ऑल्सो स्ट्रांग इन टेंशन, कॉम्प्रेशन टेंशन दोनों में स्ट्रांग है। ओके, ये कुछ और बेसिक्स है कि सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो तैयार होता है सीमेंट का घोल। उस सीमेंट के घोल में अगर हम लोग रेती डालते हैं तो तैयार होता है मोर्टर, साइट का नाम है माल या मसाला। इस मोर्टर में जब हम खड़ी मिलाते हैं, एग्रीगेट मिलाते हैं, तो तैयार होता है कंक्रीट। इस कंक्रीट में स्टील के बार डालते हैं तो तैयार होता है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और एक स्टेप और आगे, इस आरसीसी में स्टील के टेंडॉन्स अगर हम लोग डालते हैं तो उसको कहते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ये दो तरह का होता है, एक प्री टेंशन्ड कंक्रीट और एक पोस्ट टेंशन्ड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ओके, थैंक यू। संतोष कुलकर्णी, ऑनलाइन कोर्सेस, ध्यान रखिए।